हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन बिना पेन ड्राइव के कैसे करेंगे, और लास्ट वीडियो मेरे चैनल पे जो था वो था विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन बिना पेन ड्राइव के। तो जो भी व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन अगर हमें बिना पेन ड्राइव के करना है तो उसके लिए हमारे पास विंडोज़ 11 और विंडोज 10 की ISO होना जरूरी है। तो विंडोज 11 की ISO हम कैसे डाउनलोड करते हैं, चलिए मैं बता देता हूं आपको। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, चाहे आप एज ब्राउजर को ओपन कर लीजिए या क्रोम को। मैं यहां पे एज ब्राउजर को ओपन कर चुका हूं और यहाँ पे मैं google.com ओपन करूंगा। तो देखिए, मैं google.com पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा विंडोज 11 डाउनलोड। ये लिंक आपका माइक्रोसॉफ्ट का आएगा, सबसे पहले लिंक उसको आप न्यू टैब में खोल लेंगे और इसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें लेटेस्ट अपडेट वर्जन के बारे में विंडोज़ 11 का दे रखा होगा। तो ये 23H2 वर्जन है विंडोज़ 11 का, और इसकी ISO को आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे इस ऑप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO फॉर 64X डिवाइसेस, तो यहाँ से आप विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन ISO फॉर 64-bit डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से अपने सिस्टम की लैंग्वेज चूज कर लेनी है। लैंग्वेज आप कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज चूज कर रहा हूँ और कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखिए ISO मेरी डाउनलोड होने लगी है। इसका साइज आप देख सकते हैं 6.3 GB का साइज है, और ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेता है डाउनलोड होने में। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने इसको डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया है अपनी डी ड्राइव के अंदर, और ये है मेरी विंडोज़ 10 की ISO जिसको भी मैंने पहले से डाउनलोड करके रख लिया है। और विंडोज़ 10 की ISO कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियोस बना चुका हूँ उसके बारे में। आप जाके उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि विंडोज़ 10 की ISO को कैसे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ऑफिशियली डाउनलोड करते हैं। और इसके बाद आपको अपने दिस पीसी में आना है। दिस पीसी में आने के बाद आपको अपने पार्टीशंस को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास सी ड्राइव है ये, और ये डी ड्राइव है। और अगर आपके पास सी के अलावा कोई दूसरी ड्राइव नहीं है तो आपको एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा अपनी सी ड्राइव का कुछ स्पेस लेके। तो न्यू पार्टीशन हम कैसे बनाते हैं अगर आपके पास सिर्फ सी ड्राइव अवेलेबल है, उसके लिए भी मैंने वीडियो पहले से बना रखा है और अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए सी ड्राइव है और ये डी ड्राइव है। सबसे पहले हम अपनी ड्राइव को रीनेम कर लेंगे। तो सी ड्राइव को मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ पे विंडोज़, और डी ड्राइव में देखिए मेरा यहाँ पे कुछ बैकअप डेटा पहले से मैंने रख रखा है, और इन ISO को रख रखा है जो मैंने डाउनलोड करा है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 की। तो इसको भी मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ डी ड्राइव को डेटा नाम से। तो इतना कर लेने के बाद आपको जो स्पेस एटलीस्ट रखना है अपनी नेक्स्ट पार्टीशन का, वो इतना होना चाहिए लगभग आपका 8 GB। क्यों? क्योंकि आप जो ISO को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका स्पेस लगभग 6 GB से ऊपर का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी ड्राइव है मेरी और मैंने अपनी ISO यहाँ पे रख रखी है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 की। ये चाहे आपकी सी ड्राइव में पहले से डाउनलोडेड हो या फिर किसी अदर ड्राइव में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है, एक पार्टीशन अवेलेबल रखना है, नहीं है तो वो क्रिएट कर लेना। तो मेरा यहाँ पे पहले से क्रिएटेड है ये पार्टीशन। और अगर आपके सिस्टम में कोई भी सी ड्राइव पे इम्पॉर्टेंट डेटा पहले से है, जैसे कि डेस्कटॉप में, डाउनलोड में, या डॉक्यूमेंट में, या पिक्चर्स में, तो वो सारा डेटा आप बैकअप ले सकते हैं। मैंने इस डेटा को पहले से बैकअप ले लिया है इस फोल्डर के अंदर, देख सकते हैं आप, और ये मेरी ISO रखी हुई है। तो मैटर नहीं करता आपकी ISO सी ड्राइव में है या डी ड्राइव में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको अब क्या करना है,
जहाँ पे आईएसओ रखी है वहाँ पे जाके विंडोज 10 की आईएसओ पे राइट क्लिक करना है और इसको माउंट कर लेना है। जैसे ही आप इसको माउंट कर लेंगे तो एक न्यू ड्राइव में आपकी आईएसओ माउंट हो जाएगी। देखिए ये एफ ड्राइव यहाँ पे बन गई मेरी, और इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका सारा कंटेंट ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको वापस दिस पीसी में आना है और अपनी इस डी ड्राइव के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। इसको नेम आप दे सकते हैं कुछ भी, मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ पिन 11, और सारा कंटेंट जो हमने कॉपी किया है वो इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये कंटेंट कॉपी हो जाने देते हैं, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारी विंडोज 10 की ISO का सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे फोल्डर के अंदर कॉपी कर लिया है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें वापस दिस पीसी में जाना है और डी ड्राइव में जाने के बाद विंडोज 11 की ISO पे राइट क्लिक करना है और इसको राइट क्लिक करके माउंट कर लेना है। जैसे ही आप इसको माउंट करेंगे ये भी आपकी एक न्यू ड्राइव में इस तरीके से माउंट हो जाएगी, और इस पर आप राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद ये सारा कंटेंट आपको इस तरीके से माउंट होके दिखेगा विंडोज 11 की आईएसओ का। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो विन 11 नाम का मैंने फोल्डर बनाया था जिसके अंदर विंडोज 10 आईएसओ का सारा कंटेंट कॉपी किया था, उसके अंदर आप जाके सोर्सेस फोल्डर के अंदर जाएंगे यहाँ पे, और किसी भी फोल्डर पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉल आप टाइप करेंगे आपके सामने एक फाइल आएगी यहाँ पे install.vim नाम से। तो ये फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका साइज़ है 4.79 GB। इसी तरीके से विंडोज़ 11 जो हमने माउंट करी है उसके अंदर जाने के बाद सोर्सेस फोल्डर में जाएंगे आप, और यहाँ पे भी ऐसी ही एक फाइल को आप ढूंढेंगे। तो यहाँ पे वो जो फाइल है हमारी वो है ये install.vim। तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं 5.48 GB का, ये विंडोज़ 11 की ISO के अंदर है, और जो विंडोज 10 की ISO का कंटेंट था उसके अंदर इसका साइज 4.79 GB का है। तो अभी हमें क्या करना है, इस वाली ISO को यहाँ से डिलीट करना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ मैं इसे डिलीट कर दूंगा, और ये वाली जो हमारी फाइल है install.vim इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके कॉपी कर दूंगा अपने विन 11 वाले फोल्डर सोर्सेस के अंदर। देखिए ये कॉपी हो रही है फाइल install.vim, और यहाँ पे आपको install.vim नाम से जो फाइल मिली है हो सकता है उसका एक्सटेंशन .vim की जगह यानी .wim की जगह .esd फॉर्मेट में हो, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप फाइल को सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे install.vim या install.esd नाम की जो भी फाइल होगी। इतना कर लेने के बाद हम इसको कॉपी हो जाने देते हैं और वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी install.vim नाम की फाइल जो थी वो मैंने यहाँ से ड्रैग करके कॉपी कर ली है। अभी देख सकते हैं आप हमारा सेम साइज दिख रहा है इन फाइल्स का। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे वापस आएंगे दिस पीसी में, और ये जो माउंट करी है ISO विंडोज 11 की इसको इजेक्ट करके हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अभी देखिए डी ड्राइव में मैंने जो विन 11 नाम का फोल्डर बनाया है उसके अंदर ये सारा कंटेंट कॉपी हो गया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, विंडोज 10 का सारा कंटेंट इसके अंदर रखा है, लेकिन जो install.vim नाम की फाइल है वो विंडोज 10 वाली डिलीट कर दी है हमने, और install.vim फाइल जो विंडोज 11 की ISO के अंदर रहती है वो वाली फाइल इसमें ड्रैग करके कॉपी कर दी है। तो यहाँ पे हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विंडोज़ 11 के अंदर जो भी कंपैटिबिलिटी चेक करता है हार्डवेयर की सपोर्टेड है कि नॉन सपोर्टेड, तो वो यहाँ पे हमारे पास एरर मैसेज नहीं आएगा, और हमारी इंस्टॉलेशन किसी भी कंप्यूटर पे वो सपोर्टेड है या नॉन सपोर्टेड विंडोज़ 11 के लिए उस पर ईजिली हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर मैं इसका आपको डिस्क कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँ, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाके स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक करा मैंने, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर गया, देखिए डिस्क मैनेजमेंट हमारा ओपन हो रहा है। तो देखिए डिस्क मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा पार्टीशन सारा दिख रहा है, ये सी ड्राइव है मेरी, ये डी ड्राइव है, इनको मैंने रीनेम करा है, और
इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ वॉल्यूम के अंदर, तो देखिए MBR पार्टीशन स्टाइल है इसका। तो ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ये सेम मेथड आपका MBR या फिर GPT दोनों पार्टीशन स्टाइल पे ये एप्लीकेबल रहेगा। आप किसी भी पार्टीशन स्टाइल पे इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतना कर लेने के बाद अभी हमें क्या कर लेना है, अभी हमें अपना सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए आपको शिफ्ट बटन होल्ड करके रखना है अपने कीबोर्ड पे, और जैसे रीस्टार्ट करते हैं वैसे ही रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको शिफ्ट बटन छोड़ देना है अपने कीबोर्ड से। अभी ये हमारा सिस्टम एडवांस मोड में रीबूट होगा, तो इसको रीबूट हो जाने देते हैं। तो देखिए सिस्टम हमारा रीबूट हो चुका है एडवांस मोड में, और यहाँ पे हमें कीबोर्ड से अपना ऑप्शन चूज़ करना है ट्रबल शूट पे आएंगे और सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। उसके बाद देखिए दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे एडवांस्ड ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन चूज़ करना है और एंटर की को प्रेस करना है। देखिए एक बार सिस्टम हमारा फिर से यहाँ पे बूट हो रहा है। तो देखिए मेरे पास मेरा यूज़र अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, मेरा टेक इंडिया फॉर यू नाम से है, आपका जिस नाम से है उस नाम से शो करेगा यूज़र नेम आपको। तो यूज़र नेम को आप सेलेक्ट करेंगे और एंटर की पे प्रेस करेंगे। इसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है, तो मेरे इस पे कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो आपके सामने खुल जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर से खुला हुआ है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कमांड को हम टाइप करेंगे, कमांड देख लीजिए आप ध्यान से, डिस्क पार्ट बिना स्पेस के, और एंटर की प्रेस करेंगे कमांड लिखने के बाद। तो हम डिस्क पार्ट कमांड के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से हमें आगे प्रोसीड करना है। तो देखिए हमारा प्रॉम्प्ट डिस्क पार्ट के अंदर आ चुका है। अभी हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे लिस्ट वॉल्यूम और एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारे वॉल्यूम या फिर कह लीजिए आप पार्टीशंस की सभी इंफॉर्मेशन हमें शो हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने सी ड्राइव को रीनेम करा था विंडोज़ नाम से, वो यहाँ पे ड्राइव शो हो रही है हमारी, ड्राइव लेटर ई के नाम से, और डेटा नाम से जो हमने ड्राइव रीनेम करी थी वो थी हमारी डी ड्राइव, वो डी नाम से ही शो हो रही है। तो यहाँ पे सी पार्टीशन जो हमारा है विंडोज़ नाम से जो था वो यहाँ पे हमें ई ड्राइव लेटर से शो हो रहा है। तो हमें जब पार्टीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा विंडोज़ फॉर्मेट करने के टाइम पे, तो हमें यहाँ से इसका लेवल नेम दिख जाएगा विंडोज़ नाम से, तो इसीलिए हमने इसको रीनेम करा था वहाँ पे। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है डिस्क पार्ट से बाहर निकलने के लिए, EXIT एग्जिट। अभी हम डिस्क पार्ट से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हमें अभी डी ड्राइव के अंदर जाना है, क्योंकि हमारा जो हमने कंटेंट रखा था Win11 नाम के फोल्डर में ISO का, उसी से हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो वो डी ड्राइव में था हमारा, डेटा नाम की ड्राइव में, तो डी ड्राइव लेटर यहाँ पे आ रहा है, डी कोलन लगाएंगे और एंटर की पे प्रेस करेंगे। यहाँ देख लीजिए डी ड्राइव के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी एक और कमांड लिखेंगे DIR, एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए जो हमारी डेटा नाम की ड्राइव है डी ड्राइव लेटर से, उसका सारा कंटेंट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बैकअप डेटा नाम से फोल्डर था उसमें, और हमारी ISO देखिए दोनों शो हो रही हैं यहाँ पे, और Win11 नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था वो भी दिख रहा है। तो हमारा सेटअप जो रन करेगा, इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट होगी, वो होगी Win11 नाम के फोल्डर से स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें ये Win11 नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, इसके लिए हम CD स्पेस Win11 ये कमांड टाइप करेंगे। कमांड आप ध्यान से देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो कमांड दे दी हमने यहाँ पे CD स्पेस Win11, एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए Win11 नाम के फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। अभी मुझे यहाँ पे इसका कंटेंट देखना है, फिर से मैं कमांड दूंगा DIR और एंटर की को प्रेस करूँगा। तो देखिए मेरे पास Win11 नाम के फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट रखा था मैंने, वो सारा कंटेंट की फाइल्स यहाँ पे मेरे सामने दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे जिस फाइल का यूज़ करना है इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए, वो है ये फाइल setup.exe। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को टाइप करूँगा setup.exe। ये टाइप करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। तो देखिए
ये विजार्ड मेरे सामने विंडोज़ इंस्टॉलेशन का आ चुका है और इस पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए। इंस्टॉल नाउ पे फिर क्लिक करता हूँ, सेटअप इज स्टार्टिंग। तो हमारा देखिए सेटअप स्टार्ट हो चुका है। एक्टिवेशन के लिए पूछ रहा है तो अभी हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चूज़ करना है, तो हम यहाँ पे विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ये ऑप्शन चूज़ करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉलेशन एकदम नॉर्मली हो रही है, कोई भी एरर हमें प्रॉम्प्ट नहीं किया कि हार्डवेयर हमारा इनकम्पैटिबल है या क्या है। तो देखिए लाइसेंस एग्रीमेंट भी आ गया हमारे सामने, आई एक्सेप्ट किया हमने लाइसेंस एग्रीमेंट। आप यहाँ पे इसको रीड भी कर सकते हैं पूरा स्क्रॉल डाउन करके। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये दो ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टॉलेशन के, तो हम सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे, कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली। तो यहाँ पे देखिए हमें हमारी पार्टीशन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमारी डिस्क की सभी पार्टीशन की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सिस्टम रिजर्व पार्टीशन दिख रहा है, विंडोज़ नाम से पार्टीशन दिख रहा है और डेटा नाम से पार्टीशन दिख रहा है। तो विंडोज़ और डेटा नाम से हमने जो अपनी ड्राइव्स रीनेम करी थी, सी ड्राइव विंडोज़ नाम से और दूसरी ड्राइव जो डी ड्राइव थी वो डेटा नाम से हमने रीनेम करी थी। तो क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क ये है MBR फॉर्मेट में, MBR पार्टीशन स्टाइल्स, इसमें सारे पार्टीशन क्रिएट हैं, तो वैसे विंडोज़ 11 जो है आपकी GPT पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम MBR पार्टीशन पे ही इसको इंस्टॉल करेंगे। और ये डी ड्राइव हमें बचानी है जो कि डेटा नाम से है, इसका डेटा है सारा इसके अंदर और इसी से ही हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसी ड्राइव को यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए पहचान MBR और GPT की क्या है, यहाँ पे आपको सिस्टम रिजर्व पार्टीशन खाली दिख रहा है और अगर GPT पार्टीशन स्टाइल होता है तो वहाँ पे आपको रिकवरी पार्टीशन भी दिखेगा, सिस्टम रिजर्व पार्टीशन भी दिखेगा और एक पार्टीशन आपको और दिखेगा, तो 2 से 3 पार्टीशन आपको एक्स्ट्रा दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सिस्टम रिजर्व पार्टीशन को डिलीट कर देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। और देखिए अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे 579 MB का हो गया और विंडोज़ वाली ड्राइव को भी हमें यहाँ पे डिलीट करना है इस पार्टीशन को, क्योंकि इसी पार्टीशन को डिलीट करने के बाद जो स्पेस बचेगा उसी पे ही हम विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इस पार्टीशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया विंडोज़ नाम की ड्राइव को और डिलीट पे क्लिक कर दिया। तो ये भी हमारी ड्राइव देखिए डिलीट हो गई और हमारी सिर्फ डेटा नाम से ड्राइव बची हुई है। तो यहाँ पे हम इस ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे अनएलोकेटेड वाली को, 48.4 GB स्पेस है इसमें, न्यू पे क्लिक करेंगे वापस और अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा सिस्टम रिजर्व पार्टीशन फिर से बन गया 50 MB का और सेकंड पार्टीशन इसने बना दिया 48.3 GB का, तो इसी को हम सेलेक्ट रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये सेटअप जब तक कंप्लीट होता है इसका इंस्टॉलेशन, तब तक हम वीडियो को स्पीड अप कर देते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद। तो देखिए दोस्तों हमारा सिस्टम एक बार और रीस्टार्ट हुआ था यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बीच में और यहाँ पे डिवाइस नेम पूछ रहा है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ Win11 और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और ये एक बार और रीस्टार्ट हुआ हमारा सिस्टम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अकाउंट बनाना है, तो आपको यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए बनाना है अकाउंट या वर्क और स्कूल के लिए, तो मैं यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इस स्टेज पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करने को बोल रहा है लेकिन लोकल यूज़र अकाउंट आपके सामने नहीं आ रहा है क्रिएट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है, आपको मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना इंटरनेट डिसकनेक्ट कर देना है विंडोज़ का सेटअप स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने अभी इसको डिसकनेक्ट कर दिया है और आप जब इस स्टेप पे आएंगे तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस F10 दबाना है अपने कीबोर्ड पे, और अगर लैपटॉप पे हैं तो हो सकता है आपको फंक्शन की भी साथ में दबाना पड़े, तो मैंने शिफ्ट F10 यहाँ पे दबा दिया है अपने सिस्टम पे। और यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है,
कैपिटल लेटर्स में OOBE / बाईपास NRO, ये कमांड है, एंटर की प्रेस करना है। इसके बाद एक बार सिस्टम यहाँ पे रिबूट होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे कंट्री और रीजन सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, यस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड लेआउट सेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, स्किप करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने वो ऑप्शन जिसमें साइन इन करने को बोलता है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, वहाँ पे लोकल यूज़र अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, हमने वो ऑप्शन को बाईपास कर लिया है। और देखिए यहाँ पे अभी हमें न्यू अकाउंट क्रिएट करने को बोल रहा है, तो हम लोकल यूज़र अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं नाम दे देता हूँ इसको टेक इंडिया फॉर यू, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन अकाउंट भी क्रिएट करके ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जो कमांड आपको बताई थी उसके थ्रू आप वो स्टेप बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि उस स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट आपको फोर्स करता है ऑनलाइन साइन इन के लिए। तो अगर आपको वो ऑप्शन यूज़ करना है तो आप वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, अगर बाईपास करना है तो जो मैंने स्टेप्स बताए उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अपना यूज़र नेम यहाँ पे टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे प्राइवेसी आपकी डिवाइस को चूज करने को बोलता है, तो मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये सभी कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं करने हैं अपने मशीन पे, सभी को मैं ऑफ कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको ऑन रख सकते हैं। इसके बाद मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी विंडोज़ 11 यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है, और वो भी हमने इसे इंस्टॉल किया है बिना किसी पेन ड्राइव के। तो चलिए मैं आपको इसका डिस्क पार्टीशन दिखा देता हूँ कि जो हमने बैकअप किया था डेटा वो हमारा सेफ है कि नहीं। तो देखिए दिस पीसी में मैं आ गया हूँ यहाँ से, और देखिए ये हमारी सी ड्राइव है, और यहाँ पे विंडोज़ 11 हमने इस पर इंस्टॉल कर लिया है। और ये देखिए डेटा नाम से हमारी ड्राइव थी जो जिसमें हमने कुछ डेटा रखा हुआ था। तो देखिए ये हमारा विन 11 नाम से फोल्डर जिससे हमने सेटअप इंस्टॉल किया है इस विंडोज़ 11 का, और ये हमारी ISO रखी हुई है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 की, और जो हमने डेटा बैकअप करके रखा हुआ था पहले से यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर बैकअप डेटा नाम से फोल्डर बनाया था। देखिए सारा डेटा हमारा इस ड्राइव का सेफ है, और सी ड्राइव में हमने विंडोज़ 11 सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिकल आप अवश्य ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ जिन व्यूअर्स को अगर पुराने वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के टेक्निकल वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ। तो इसी शॉर्ट मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक पे। नमस्कार, जय हिंद।